हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू गेट ओटीपी विदाउट रिचार्ज इन एयरटेल। तो अगर आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया, रिचार्ज नहीं है और इमरजेंसी में आपको ओटीपी रिसीव करना है या एसएमएस सेंड करना है, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यही इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सको। यहाँ पे सबसे पहले आपको जीमेल ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे नेम का कॉलम, उसमें आपको अपना पूरा नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे हम स्पेस देंगे और लिखेंगे नंबर का कॉलम। नंबर के कॉलम में आपको अपना एयरटेल वाला नंबर डाल देना है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ डेमो के लिए और बताने के लिए 1 2 3 4 5 लिख रहा हूँ, लेकिन आपको अपना ही नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट का कॉलम। रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाहता हूँ जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ, वही सेम टू सेम मेरा कॉपी करके लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज़ एक्टिवेट माई एसएमएस पैक इन एयरटेल एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेस दे के लिखना है थैंक्स एंड वॉर्म रिगार्ड्स, ये लिख देना है। ये लिखने के बाद आपको ऊपर सब्जेक्ट के कॉलम में उसी से रिलेटेड लिखना है एसएमएस पैक एक्टिवेशन रिक्वेस्ट। ये सब कुछ लिखने के बाद आपको सबसे लास्ट में एयरटेल की जीमेल आईडी डालना है, वो उसके एप्लीकेशन से मिल जाएगी, वहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर आपको अपना ईमेल अच्छे तरीके से चेक करना है, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए और उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना ईमेल यहाँ पे सेंड कर देना है। सेंड करने के कुछ देर के बाद रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है और यहाँ पे 1 से 2 घंटे के अंदर आपका एसएमएस पैक एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप इजीली ओटीपी सेंड भी कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं और ओटीपी रिसीव भी कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये है पहला ऑप्शन जहाँ पे आप जीमेल के थ्रू रिक्वेस्ट करके अपना एसएमएस पैक एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड ऑप्शन की। यहाँ पे डायरेक्टली आपको एयरटेल एप्लीकेशन ओपन करना है, वहाँ कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस के ऑप्शन पे जाके कस्टमर केयर को आपको बताना है कि इमरजेंसी में ओटीपी रिसीव करना है या फिर एसएमएस सेंड करना है, तो एसएमएस पैक एक्टिवेट करने का क्या प्रोसीजर है। जो प्रोसेस आपको कस्टमर केयर बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को फॉलो करना है और वहाँ से भी आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एसएमएस या फिर ओटीपी रिसीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे आपको 2 अलग अलग मेथड मैंने बता दिया है, ये दोनों में से आप कोई भी मेथड को ट्राई करके ओटीपी रिसीव कर सकते हैं, एसएमएस सेंड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा वाला मेथड आपने ट्राई करके अपना ओटीपी रिसीव किया या फिर एसएमएस सेंड किया, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।